वैक्सीन घपले से लेकर एलन मस्क की टॉप 10 खबरें, मैं पीयूष कुशवाहा, आप देख रहे हो रिकॉल न्यूज। पांचवाल सिविल सर्जन ने लगवाई वैक्सीन, डॉक्टर विवाह अलग अलग डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर अब तक 5 कोविशील्ड की 5 डोज ले चुकी है। वैक्सीन की 5 डोज लेने के लिए उन्होंने 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराए। जिस शख्स को लगा सुअर का दिल वो निकला मुजरिम। अमेरिका में हार्ट ट्रांसप्लांट के जरिए जिस शख्स के सीने में सुअर का दिल लगाया गया उसे एक महिला ने मुजरिम बताया। कोहली के फैसले पर रोहित शर्मा ने हैरान होकर दिया ये रिएक्शन। रोहित शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हैरानी व्यक्त करने वाले इमोजी को शेयर करते हुए लिखा कि फैसला काफी हैरान करता है। क्या सच में चीन ने कृत्रिम सूरज कर दिया है लॉन्च? वीडियो में दावा किया गया है कि चीन ने कृत्रिम सूरज को लॉन्च किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि रॉकेट लॉन्च के बाद तेजी से धुआं उठता है और एक आग का गोला इसके साथ ऊपर उठता दिखाई देता है। कपिल शर्मा के बायोपिक फिल्म का ऐलान, नाम होगा पंकाल। यहां जाने कपिल शर्मा के संघर्ष और सफलता की कहानी। महावीर जैन ने एक्टर कॉमेडियन कपिल शर्मा की बायोपिक फिल्म का ऐलान किया है, जिसका टाइटल होगा पंकाल। इस फिल्म का निर्देशन करेंगे मृगदीप सिंह लांबा, जिन्होंने इससे पहले फुकरे डायरेक्ट की थी। कोरोना टेस्ट के लिए नाक की बजाय मुंह से सैंपल लेना बेहतर, यहां वायरस की मात्रा 3 गुना ज्यादा होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के रिसर्च डॉक्टर डोनाल्ड मिल्टन के कुछ सौदों के आधार पर यहां दावा किया है कि उनका कहना है कि कोरोना वायरस सबसे पहले मुंह और गले में नजर आता है। बस चलाते हुए अचानक बेहोश हुआ ड्राइवर, पैसेंजर महिला ने बचाई लोगों की जान। योगिता सातवा ने करीब 25 किलोमीटर मिनी बस चलाई, उन्होंने हॉस्पिटल में ड्राइवर का इलाज सुनिश्चित कराया जिससे ड्राइवर की जान बच गई। समुद्र के अंदर फटा ज्वालामुखी, जापान से लेकर अमेरिका तक सुनामी का खतरा मंडराया, उठ रही ऊंची ऊंची लहरें। सैटेलाइट इमेजरी में दिखाया गया है कि अलास्का से 10,000 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में टोंगा हवाई ज्वालामुखी का विस्फोट भारी गर्जना के साथ हुआ है। इस विस्फोट से हवा में धुआं और राख फैल गई है। ना लॉकडाउन ना क्वारंटीन, सर्दी जुकाम की तरह होगा कोरोना का हाल, दक्षिण अफ्रीका ने बनाया नया प्लान। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बार बार लॉकडाउन से आजीविका व अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सरकार को कोरोना के प्रति व्यवहारिक रवैया अपनाना होगा। तेलंगाना के मंत्री एलन मस्क से करना चाहते हैं साझेदारी। जहां एक ओर टेस्ला भारत सरकार से टैक्स में छूट की मांग कर रही है, वहीं केंद्र सरकार इस बात पर राजी नहीं हो रही है। ऐसे में ताजा जानकारी तेलंगाना राज्य से सामने आ रही है, जहां टेस्ला के भारत में प्रवेश को लेकर एक नई डेवलपमेंट हुई है। आप देख रहे थे रिकॉल से टॉप 10 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगली खबर में, कल से कल तक।